अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंदन। मोहब्बत जे मैदान में कर पड़ाडो पट, सिर सूरी धड़ कुंगरे मता कुछी कट, इश्क नाग निपट खबर खादन के पवे। भलारे भिटड़ी जे भलारे बैत सा मुझी आवाज़ मुसाफिर, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ता थी दुनिया जी कुंड कुड़छ ताई। जै जै माग बुझे पे उन मिनी मेहरबान के सिख भरियो सलाम शाल कबूल पवे। 7 फरवरी 2024 अरबा जनी है प्रोग्राम सोच विचार सान करें आऊं अवां जी खिदमत में हाजिर आवां जो पेंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरुआत में अवां लई है दुआत शाल जितो जो सुख सलामती सां जो कदें भी रुखड़ी न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जूं मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अवां जा ख़्वाब तबीरनि सां लाऊं लही सघनि। साईं मुंहिंजा नाइन सफ़िनि जो वॾो जहान आबाद आहे। हाणे त नौकिरियूं बि अहलियत बदिरां सिफ़ारिश ऐं पैसे ते ॾिनियूं वञनि थियूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकु अहिड़ो इदारो आहे जंहिंखां मेहनती ऐं होशियार शागिर्द पंहिंजी महिनत सां टेस्ट ऐं इंटरव्यू पास करे नौकरियूं हासिल कंदा आहिनि। बदकिस्मती सां सोशल मीडिया ते हलंदड़ रिपोर्टनि मूजिबि हाणे हीउ इदारो बिल्कुलु सियासी कारोबारी बणिजी चुको आहे। मौजूदा चेयरमैन मां उमेद हुई त हू मेरिट खे मान ॾींदो, पर हुन त उबतो तबाही मचाए छॾी आहे। हिन महिल ताईं जेके बि इम्तिहान थिया आहिनि उन्हनि में मेरिट जो सरेआम क़तलु थियो आहे। ख़ासि करे जेके बि सुठियूं नौकरियूं आहिनि उन्हनि में मेरिट ॿुड़ी नज़र आई आहे। जीअं त मौजूदा ॿिनि सालनि खां कुझु सुठियुनि नौकरियुनि जा इम्तिहान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ज़रिए वरिता विया आहिनि, जंहिंमें म्यूनिसिपल आफ़िसर, अकाउंट आफ़िसर, लोकल गवर्नमेंट में ऑडिट आफ़िसर, फिनांस डिपार्टमेंट ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर तालीम खाते में भर्ती कया विया, जंहिंमें मेरिट जी सरेआम लताड़ कई वई। उन्हनि पोस्टनि लाइ अहिड़ा उम्मीदवार भर्ती कया विया जंहिंखे आसान सिंधी, आसान उर्दू या आसान इंग्लिश में बि कंहिं बि मज़मून ते सादो पैराग्राफ में लिखारायो वञे त लिखी न सघंदा। बदकिस्मती सां हू 17 ग्रेड जूं नौकरियूं पैसनि सां या सिफ़ारिश सां वठी विया। ॾुख जी ॻाल्हि इहा बि आहे त हिन इदारे मुख़्तलिफ़ मज़मूननि में तालीम खाते में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती कया। उन्हनि में 50 लख जो पैकेज हो ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे भर्ती कयो वियो जंहिंखे पंहिंजे सब्जेक्ट ते महारत हासिल न हुई। उहे बि पास थी विया। सिर्फ़ 30% मेरिट हलाए बाक़ी सभु छोकिरा सिफ़ारिश ऐं पैसनि ते भर्ती कया विया। कुझु वक़्तु पहिरीं सभु इंस्पेक्टर ऐं इंस्पेक्टर जे लाइ एंटी करप्शन में लिखत वारो इम्तिहान वरितो वियो। उन पोस्टनि लाइ बि सिफ़ारिशी ऐं पैसनि ते भर्तियूं थियूं आहिनि। सोशल मीडिया जूं रिपोर्टूं ॿुधाइनि थियूं त सरेआम लताड़ कई वई आहे, पर उन लताड़ जी भला दाह ॾिजे त कंहिंखे ॾिजे ऐं कंहिंखे ॿुधाइजे त नाइन सफ़िन जा नाग कीअं सिंध वासियुनि खे खाई रहिया आहिनि। हिन वक़्तु जॾहिं चूंड मुहिम पूरी थी चुकी आहे ऐं सुभाणे इलेक्शन जो मुक़ाबिलो थियणो आहे, इलेक्शन जो मैदान सजी चुको आहे, तॾहिं मुख़्तलिफ़ मशहूर आहिनि जेके गर्दिश करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि ते अमल वारो सुवाल बि आॾो अचे थो। बैरिस्टर हमीद शाहाणी लिखे थो, चूंडनि जो वक़्तु भरियो पियो आहे। चूंड मुहिम बेउरूज ते पहुची ऐं ख़तमु थी चुकी आहे। मुख़्तलिफ़ सियासी धुरियूं पंहिंजो मशहूर आणे चुकियूं आहिनि। चूंडनि में मुख़्तलिफ़ नज़रियुनि ऐं ख़्यालनि जूं पार्टियूं हिसो वठी रहियूं आहिनि। जेकॾहिं पहिरीं 20 पार्टियुनि जे चूंड मंशूर ते हिकु नज़र विझूं त दिलचस्प नतीजा साम्हूं अचनि था। वॾी कारीगरी सां लफ़ाज़ी कई वई आहे। वॾा वॾा वाइदा आहिनि ऐं हर कंहिंजी इहा दावा आहे त जेकॾहिं सदन पार्टी चूंडिजी वई त पाकिस्तान जी आवाम जा समूरा ॾुख दर्द दूरि थी वेंदा। के मंशूर आम माण्हू लाइ पुरकशिश आहिनि, उनजे निब्ज़ ते आङुर रखी वई आहे, पर असल सुवाल हीअ आहे त छा उहे मंशूर पाकिस्तान जे ज़मीनी हक़ीक़तनि सां ठहकनि था ऐं छा उन्हनि मंशूरनि में मुस्तक़बिल जो को हक़ीक़ी नक्शो पेश कयो वञे थो ऐं जेके ख़्वाब ॾेखारिया वञनि था उन्हनि खे पूरो करण जे लाइ वसीला मौजूदु आहिनि। उन्हनि मंशूरनि में जेके दावाऊं कयूं पियूं वञनि उन्हनि खे साम्हूं रखंदे त कई तरक़ी याफ़्ता मुल्क में मौजूदा सरमाएदाराणे निज़ाम में रही करे पंहिंजी आवाम खे अहिड़ी मिसाल ज़िंदगी ॾियण में नाकाम विया आहिनि। उन सां गॾु कहिड़ा मंशूर पिण आहिनि जेके हक़ीक़त पसंदी जो अक्स आहिनि। हिननि सिटनि में असां पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, तहरीक इंसाफ़, अवामी नेशनल पार्टी ऐं जमियत उलमा इस्लाम जहिड़ियुनि पार्टियुनि जे मंशूरनि जो जाइज़ो वठंदासीं ऐं उन सां गॾु निढियुनि पार्टियुनि जे मंशूरनि जो बि जाइज़ो वठंदासीं।
जगह चूंडण में का वही कामयाबी हासिल न करे सकदियूं, पर हुनन पंजे मंशूर ते तमाम घणी मेहनत कई आए। जहते बहस थियण घुर्जे तो जी आवाम में शऊर बेदार थे। जैकने अल्फाबेट के हिसाब से डिठो वे तो अवामी वर्कर्स पार्टी जो मंशूर पेरे नंबर से अचे तो। हे मंशूर काफ़ी तफसीली है, पर आवाम की सहूलत उनके दह नुक्तन में विरहाय वो है। पेरों नुक्तो कबायली जागीरदारणी बाक़ा जो खात्मो बुनियादी जरिए सुधार आन। कबायली जागीरदारणी बाक़ात पाकिस्तान की मुआशी समाजी सियासी पसमानदगी जा बुनियादी सबब हैं। उन्हें खत्म करण से पाकिस्तान में खुशहाली तरक्की समाजी इंसाफ मुमकिन थी सके तो। जागीरदारी कबायली बाक़ात के कर नरगो हजारे हारी जमीन से कम कद मजदूर आबादगार इस्तेसाल जो शिकार हैं, पर उन निज़ाम के असर हेठ समाज के पसमानदगी ते मबनी सोच ए फिक्र के भी मजबूत किया वे तो। उन पुरानी सोच जो असर सियासत ते पवे तो, जै कर फुलुट की मुआशी पॉलिसियन की हिमायत कई वे थी। दौलत की अण बराबरी वारी विरछ आमराणी सोच मढ़ी वे थी। ये पाकिस्तान जो नंबर वन मसलो है, उनके मंशूर में पेरो नुक्तो बणायण तरक्की पसंद सोच जो इजहार है। मंशूर जो बो नुक्तो मर्द औरत बराबर है। पाकिस्तान में जिन्स के बुनियाद इम्तियाजी सलूक फलूट हकीकत है। मुल्क की 50% का आबादी जिन्स के बुनियाद जायज़ हकन मौकन का महरूम है। सनफी बराबरी का सिवाय तरक्की जो तस्वर नथो करे सकजे। औरतन के मुकमिल बराबरी वरी इंसान तौर मर्कजी धारा में आन का सिवाय अगते वधन मुमकिन ना है। टो नुक्तो मजहब के बुनियाद ते इम्तियाजी फर्क जो खात्मो है। मुल्क में मजहब के नाले से तसुब जो दास्तान पुराणो है। इन मामले से मुल्की गैर मुल्की इंसानी हकन के तनजीम समेत पाकिस्तान जो बाशूर मानू इन गाल ते मुतफिक है। मजहब के नाले से केतर ही मानन फिरकन से तसुब किया वो है। उन बाबत हजारे रिपोर्टू ही समय किताब दस्तावेज मौजूद हैं। का भी कौम इन मसले के हल करण पंजे कौम के सभी फर्दन के बराबरी जो दर्जो दियण का सिवाय तहजीब याफ्ता होने की दावा नथी करे सके। मंशूर जो चौथो नुक्तो गैर जानबदार साम्राज मुखालिफ परडेही पॉलिसी है। पाकिस्तान की परडेही पॉलिसी एक वो मसलो है, पर उनते घटी बहस थे तो। गुजरियल हुकूमत के दौर में परडेही पॉलिसी बाबत केतरा ही बुनियादी सवाल सामू आया। अवामी जलसन में दुनिया के वजन ताकतन से लागापन ख्याल के डेवट की भी कोशिश कई वही। एक आज़ाद अणधुरी पॉलिसी जैमें को भी मुल्क आलमी ताकत के विच में तकरार छिकतान जो हिस्सो न बणज। एक आज़ाद खुद मुख्तियार पॉलिसी तहत मुमकिन है। मंशूर जो पंजो नुक्तो माहौलियाती तवाजुन पायदार तरक्की है। इन वक्त माहौलियाती तबाही उनका असर पाकिस्तान जो एक संगीन मसलो है, जैसी संगीनी के मुकमल तौर पर महसूस न किया वो है। समूरन निढ़न वरन शहर में माहौलियाती आलूदगी गंदगी एक खौफनाक मसलो है। वरन शहर में हाँ साह खण भी दुख्य थी वो है। इन मसले सबब मू लद पलान से मजबूर हैं, पर इन वक्त तई हुकूमत इन मामले से ध्यान न दिनों है। इन मसले के मंशूर के बुनियादी असूल में शामिल करण एक अहम कदम है। छह नुक्तो इख्तियार के हेठ सतह तई विरासत मुंतकली है। इख्तियार के गोठण शहर में विरहायण केतर ही हुकूमत जो नारो रो है, पर इकतदार में अचण का उह मौजू अक्सर गायब थी वो है। कामयाब जमहूरियतन सुधरियल मुल्क तरक्की की उन वाट से अमल किया है। इकतदार के म्यूनसिपल टाइम सतह तई मुंतकिल है। उन कामयाब तजर्बे में फायदो हासिल कर कोशिश कर सकते थी। मंशूर जो सतों नुक्तो सभी मुफ्त तलीमी सेहत है। सेहत तलीम बुनियादी इंसानी हक बणजी व्या। दुनिया के हुकूमत के मजबूर किया पो वे तो हू पे शहर के मुफ्त तलीम मुफ्त सेहत जो सहूलतू फराहम कन। पाकिस्तान जड़े गरीब मुल्क में तलीमी सेहत के बिना कें फर्क के फराहमी रियासत जो अवलीन फर्ज होजन घुर्जे। मंशूर जो अठो नुक्तो समूरन सियासी हल्कन जो तहफुज है। पाकिस्तान में गुजरियल केतर ही साल का सियासी हकन के हवाले से जो कुछ थी रो है वह मायूस कदड़ है। इतने सियासी आज़ादी महदूद थी रही है। सियासी कारकुनान के जेल में विधो पो वे। सियासी गरजन से पाबंदी लगाई वही है या उन्होंने असरअंदाज थियण की कोशिश कई वही है। इन हालत में सियासी हकन के मंशूर जो हिस्सों बढ़ाण अंटर है। मंशूर जो नाम नुक्तो
हकीकी वफाकियत घण कौमी सुणप है। पाकिस्तान में एक तरफ कौमियत के हकन जो सवाल शिद्दत इख्तियार कर रही है तो बे तरफ अरणी तरमीम के बावजूद मरकज सूबन के इख्तियार के वाजह तयन केतर ही कदम की जरूरत है। इन मशहूर जो दहों नुक्तो रोजगार ए रिहायश की जमानत है। रोजगार ए रिहायश से गड खाद खुराक जो जिक्र थियण घुर्जे हा जो शायद गलत तौर ते रहजी वियो है। दुनिया के अक्सर कामयाब मुआशरन में उन्हें इंसानी जरूरतन के रियासत की अवलीन जिम्मेवारी करार दिनो वियो है। अड़ी तरह वो एक इंतहाई तरक्की पसंद मशहूर है जो जदीद दुनिया के तकाजाओं मुताबिक है। मशहूर लिखदड़न के इन सवाल जो तफसीली जवाब दियण घुर्जे अड़े मंशूर से अमल कर केतरा वसीला घुर्बल वसीला किए मुख्तस क्या वा। हे खूबसूरत लेख असी अवे समातन की नज़र कर रहा हुआसी जो लिखल हो बैरिस्टर हमीद शहानी जो। बलोचन की छलांग इतिहास से टंगल सिंध के उनवान हेठ डॉक्टर बरकत नूनारी लिखे तो सन 2000 ईस्वी में कराची में हाउस जॉब करण दौरान बलूचिस्तान के एक बलोच सरदार की धी भी गड ट्रेनिंग कंदी हुई। सिंधी रिवायतन तौर खेस पोती पाराए भेण कयो हुम। बलोचाणी उम्र में मुखा वडी हुई सरदारी घराणी जी हुई तं करे हर गाल ते दाबा दई चुप कराए छदी हुई। खेस एक भेरे चयम त बलूचिस्तान में जहालत है सियासी शौर कोन्हे कबीलाई सरदार की फिरौनियत है। मुझो कन पकड़े चयाई गड़ा तुम जाहिल हो तुम बलूचिस्तान को नहीं जानता। बलूचिस्तान में कोई भुट्टो नहीं है। सरदार को एक ठोकर मारेगा और बलूचिस्तान सीधा फौज से लड़ेगा। तुम फौज तक पहुंच ही नहीं सकता। तुमसे पहले मुल्ला लड़ेगा फिर पीर लड़ेगा फिर सरदार लड़ेगा और उन सबको मिलाकर तुमसे भुट्टो लड़ेगा। भुट्टो जो गुजरियल 60 साल का असा सा विढ़े पियो असा भुट्टो में जान छदाए कोन सघिया आयो। सिंधियन वन यूनिट से विढ़ी पैं अलग कौमी वजूद ठाण की कोशिश मस कई त भुट्टो असा हथ पेर बधी असो वजूद के 73 के आयन में गिरवी रखी पी कुर्सी पकी कर आयो। सिंधियन जियाई मार्शला से विढ़ी पैं सियासी वजूद ठाण की कोशिश कई त बेनजीर MRD के शहीदन के लाशन से बीह पैं कुर्सी वी आई। 1988 का 2007 तीन असा बेनजीर के डिन लाहौर लाड़कान के फर्क के खत्म कर सिंध कारण से नचंदा कुडंदा रहासी। सन 2008 का 2023 तीन असा भुट्टो के डिनल कर्ज के रीशेड्यूल कर बेनजीर के नए कर्ज जो व्याज भी जरदारी के दींदा रहासी। पर गुजरियल 60 साल का भुट्टो असा जंग जारी रखो पो अचे। भुट्टो की पार्टी जहा पालियल कबीलाई सरदार दरगाही पीर वडेरा विकाऊ दानश्वर दंधोड़ी साफी असा के अगते वधणी नथा दियन तो असा लाहौर या पिंडी से को हक हिसाब कर सकूँ। भुट्टो हर रूप में सिंधियन के सामू एक आड़ बणजी उभरे तो। बलोचन वट को भुट्टो कोने बलोचन वट सिर्फ सरदार हो जैसी सरदारी थुडे सीधो रियासत से अटकन पा। भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी चवे थी तो समुंड विकणियों है बेहरिया DHA समेत सिंध जो जमीनू असा विक्रो क्यों सिंध जो तेल गैस कोयलो असा विको है खीर थर कारूंजर असा विको है वफाक जो डूह को असा चूं था पीपला असाजा सिंधी भायर आन हाँ जेस तीन भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी के शिकस्त दई अगत नो वजे तेस तीन असल ताकत से मुकाबलो मुमकिन ही को। चोलिस्तान रिथा से सिंध ज खदशा एतराज उनवान हेठ नसीर मेमण लिखे तो। पंजाब चोलिस्तान रिणपट में 60 लख एकड़न की नई जरई जमीन आबाद कर एक रिथा ठाही है। गुजरियल साल अगस्त में वापडा पारा उन बाबत एक फोरम से प्रेजेंटेशन डिनी वही उन मकसद लाई टे नवा डैम ब नवा बैराज एक लिंक कैनाल ब नवा फीडर कैनाल ठाण की तजवीज़ डिनी वही है। उनका तफसील इन रीत है। नंबर एक कादराबाद बैराज का हेठ चनाब नदी से 3 डैम ठाया वा उन्हें शाह जीवना डैम 1.5-3 मिलियन एकड़ फुट चन्यूट डैम 1 मिलियन एकड़ फुट ए मड राझा डैम 1.5-2 मिलियन एकड़ फुट सतलज नदी से ब नवा बैराज बहावल नगर 0.6
36 मिलियन एकड़ फुट हासलपुर बिराज 0.9 मिलियन एकड़ फुट तमीर कया वा चन्यूट हासलपुर लिंक कैनाल तमीर थी जैसी डेग 195 किलोमीटर गुंजाइश 15,000 क्यूसिक होंदी। एक सौ 110 किलोमीटर डिघो फीडर कैनाल 130 किलोमीटर डिघो मुखिया वाह ठो जैसी गुंजाइश 8,500 क्यूसिक होंदी। उन 21,32,000 एकड़ जमीन के आपाशी हेठ आंदो वो 70 किलोमीटर डिघो फीडर कैनाल 100 किलोमीटर डिघो मुखिया वाह ठो जैसी गुंजाइश 5,500 क्यूसिक होंदी। उन बहावलपुर खानपुर वाली पट्टी से 13,33,000 एकड़ जमीन के आपाशी हेठ आंदो वो उन समूरी रिथा की मजमूई लागत जो काथो 1.5 अरब डॉलर लगायो वो है। गुजरल हफ्ते पंजाब के आपाशी खाते पारा दिसा गया उन तसलसल में उन रिथा के पेरे मरहले तौर सिमालर चोलिस्तान रिथा पेश कर उन लाए पानी की मौजूदगी की सनद जारी कर दरख्वास्त कई वही। इरसा में सवाए सिंधे मेंबर के बे कें भी उनकी मुखालफत न कई। इन रिथा हेठ लगभग 20 लख एकड़ जमीन आबाद करण की गाल कयल है। इन रिथा में डेम जो जिक्र ना है पर चैन कैनाल सिस्टम्स जो जिक्र है। उन्होंने फतेहवाह मुरादवाह हाकड़ावाह हिरणवाह शामिल है। उनसा गड टिन मौजूद लिंक कैनाल के सुधार जो जिक्र है। उन रिथा जो काथो 75 अरब रुपया लगायो वो है। उन रिथा में सलेमानकी हाइड्रोक्स वटा एक फीडर वाह कढ़ण जो जिक्र है जैके फील्ड सप्लाई चैनल जाना वो है। उनकी गुंजाइश 4,122 क्यूसिक होंदी। पंजाब आपाशी खाते की मूजब उन रिथा की फिजिबिलिटी 2015-2018 दौरान तैयार कई वही। उनकी मंजूरी पंजाब की सूबाई वर्किंग पार्टी 16 नवंबर 2023 से डिनी। उन रिथा के मई का सितंबर के विच में पानी घुर्बल होंद जुलाई अगस्त में उन लाए पानी बोड वारे वहकर में पंजाब के हिस्से में खण जो वो है। 19 जुलाई अगस्त के आखिरी दहाके में 4,122 क्यूसिक ताई बोड के पानी जो इस्तेमाल भी जाना वो है। पंजाब दावा कई है तो बोड के पानी में 1.36 मिलियन एकड़ फुट पानी मुहैया थी। उन सजी रिथा से सिंध के केतरा ही खदशा एतराज हैं। सिंध सरकार इन डस में पैं दलील से बदल जवाबी दस्तावेज भी तैयार कया उन्होंने मां कुछ अहम खदशा एतराज हेठ डिजन था। इरसावट रुगो 1991 वाले ठा हेठ पानी की विर्छ जो इख्तियार है। वह उन ठा का बाहर कें भी रिथा लाए पानी के मुहैया होजन जा सर्टिफिकेट जारी करण जो इख्तियार नथी रखे। बोर्ड के वहकरण से हेडो वो आपाशी सरिश्तों जोड़ना आपाशी साइंस की बुनियादी भंजकड़ी है। बोर्ड जहा वहकर हर साल ना ईंदा। पाकिस्तान में मौसमियाती फेर घेर सब बोर्ड के वहकरण की का भी जमानत ना होंदी। बी गाल सतलज नदी सिंधु तास ठा हेठ भारत के इंतजाम हेठ है। भारत उन नदी में ईंदड़ वाधू वहकरण के पंजे सरहद अंदर रोके मोड़े सकण जो इख्तियार रखे तो। हाँ फर्ज कर कें साल में वाधु पानी सतलज में नो अचे तब एडी वरी एराजी लाए पानी किथा आई तो। 1991 वाले ठा में पंजाब के मिलल पानी तो अगे ही सूबे के वाहन में विरहायल है जिनते आबादी थी रही है। सिंध के जायज़ खदशो है तो अड़न सोकड़न वारन वरहन में चोलिस्तान रिथालय अण आयलैंड तौर इंडस रिवर सिस्टम में पानी मोड़े लिंक कैनाल वसीले उन रिथा जो जरूरतों पूरी करण की कोशिश कई वी। बोडन जो वाधू पानी इन वक्त मुख्तलिफ दरियान में वहद सिंधु में शामिल है। वह पानी हेठ वही इंडस डेल्टा में छोड़ कद जिते माहौलियाती सरिश्तो अगे ही बर्बाद थी चुको है। बोडन जो पानी मथे रोकण से डेल्टा के मिलंदड़ पानी वेतर घटजन उन माहौलियाती सूरतहाल बेहतर अबतर थी। पंजाब पारा सतलज नदी में गुजरल साल आयल बोर्ड का रिथा के इन बुनियाद ते तेजी से अगत वधायो वो है। याद रहे तो सतलज में वह वहकरो हिंदुस्तान के बाखड़ा पोंग डेमन में गैर मामूली बरसात सबब आयल वहकरण के नतीजे में आयो हो। जैसे डेम न भरजन हा भारत उनका उथल दरवाजा न खोले हा तो सतलज में अड़ो वहकरो न अचे हा। उहा गैर मामूली यानी स्पिल वीज बोर्ड 35 वरहन का आई हुई। उनके बुनियाद बनाए नई कमांड एरिया तैयार करण अकलमंदी ना है। उनका सिवाय भी उन रिथा के रद्द करण लाए दलील मौजूद है। सिंध सरकार तोड़े सिविल सोसाइटी के निडिस में पांजो मौकिफ चिटो रखण घुर्जे। सिंध के यो मुतालबो रखण घुर्जे तो पानी सा
लागा पेला मामरा आयनी तोरा गरिल मुफादन वारी काउंसिल जो इसम आहिन तहां करे उहे मामरा उन काउंसिल में यादा वञन वाबदा या इरसाल है लागा पेला फोरम ना आहिन। ताज़ो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान निगरान सरकार पारां PIA जे खानकान ऐं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जी जोड़जक में तब्दीली वारनि मज़दूरनि खे इहो चई रोके छॾियो त उहे ॾूर रसा सरण वारा फ़ैसिला आहिनि जेके ईंदड़ हुकूमत खे करणा आहिनि। साॻी रीत चोलिस्तान रिथा बि डिघे मुदे जे असरण वारी रिथा आहे जंहिंखे बि ईंदड़ हुकूमत लाइ छॾणु घुरिजे। पंजाब कालाबाग डेम रिथा रद्द थियण खां पोइ वक़्त बे वक़्त मुख़्तलिफ़ तकरारी रिथाऊं आणे सिंधु दरिया जो पाणी मोड़ण जा साबाह कंदो रहे थो। हीअ रिथा हिन वक़्तु स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल हेठि आणे उन इदारे खे पंजाब जे मुफ़ादनि वटां इस्तेमालु करणु दर हक़ीक़त उन इदारे खे तकरारी बणाइण जी कोशिशि आहे। ॿिए तरफ़ साॼी जोड़जक में ग़ैर आइनी तरीक़े सां तब्दीली आणे उन इदारे खां अहिड़ा फ़ैसिला कराइण लाइ बि माहौल तयारु थी रहियो आहे। उन सां ख़ुदि इरसा हिकु इदारे तौरु तकरारी थी वेंदो। उन तरह सां इदारे खे कमज़ोर करण सां पाणी मामलनि बाबति सूबनि विच में तकरार खे वधीक हथी मिलंदी जेका वफ़ाक़ी सूबनि जे रिश्ते लाइ बि हानिकार आहे। हिकु सूबे जी ज़मीन आबाद करण जे चकर में सिंध ऐं पंजाब विच में छिकताण वधाइण ऐं सिंध जो वफ़ाक़ सां नातो वधीक कमज़ोर करणु सियासी तौरु मुल्की अकेले हानिकार साबित थींदो। अहिड़नि फ़ैसिलनि खां हिन वक़्तु पासो करण जी ज़रूरत आहे जॾहिं त मुल्की मामला अॻे ई नाज़ुक मरहले मां गुज़री रहिया आहिनि। पाणीअ मामलनि बाबति हीअ असीं अव्हां जे समातन जी नज़र करे रहिया हुआसीं। नसीर मेमण जो लिखियल ख़ूबसूरत लेख अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार। सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुख़ातिबु आहियां पंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। हाणे अव्हां जी ख़िदमत में पेश करियूं था काशिफ सदीकी जो लिखियलु ख़ूबसूरत लेख जंहिंजो उनवान आहे भल पाए पांद अचनि त बि माफ़ु न कजे तिन खे। दुनिया जे मुख़्तलिफ़ क़ौमनि जे तहज़ीबनि तारीख़दाननि जे लिखणियुनि ऐं इंसानी ज़िंदगी जी तरक़ी ऐं इर्तका जे सदियुनि जे सफ़र ॿियनि खोड़ सबक़नि सां जेको अहम सबक़ ॾिनो आहे उहो आहे इंसान वटि ज़िमेवारी जो अहसासु ऐं पाण खे हर वक़्तु ऐं हर दौर में हिसाब लाइ पेश करणु। हीउ बलव सिर्फ़ु ॻाल्हाइणु लिखणु या ॿुधणु ॿुधाइण ताईं महदूदु न आहिनि पर हक़ीक़त में आम तौर ते ज़ाती ज़िंदगी या कारोबारी ख़िदमतनि ऐं ख़ासि तौरु आवाम लाइ इक़्तदार मिलण वारे किरदार खे पंहिंजे असल रूह सां मुकमिल करण जा नाला आहिनि। हिन लिखणीअ जे उनवान जी चूंड जो सबबु अॼुकल्ह चूंडनि जी मुंद आहे ऐं माफ़ियुनि जे मननि सां उमेदवार मैदान ते लथल आहिनि। हा, पंजनि सालनि खां पोइ उन्हनि सभिनी खे असीं पंहिंजनि इलाइक़नि जे गंदे पाणी सां भरियल टुटल रस्तनि ऐं कचनि घरनि में पंध या गाॾियुनि ते घुमंदे ॾिसूं था। सोशल मीडिया जी महिरबानी सां हर पल जी ख़बर मिली वञे थी ऐं ख़बर पइजी वञे थी त किथे केरु छा चई रहियो आहे या छा ॿुधी रहियो आहे। असीं उन्हनि सभिनी खे पटका या टोपियूं लाहींदे वाइदा ऐं वचन कंदे वोट वठण लाइ वास्ता ॾींदे मुसलसल ॿुधी ऐं ॾिसी रहिया आहियूं। चवनि था त पार्लियामानी सियासत करण लाइ असांखे इलेक्शन जे ॾींहंनि में पंहिंजनि तकनि में वञिणो आहे ऐं आवाम सां मिली उन जे मिटनि माइटनि जी वफ़ा जूं रहियल फातिहाऊं ऐं शादियुनि या तोहरनि जूं मुबारकूं ॾियणियूं आहिनि त जीअं आवाम खे उहो अहसासु ज़रूरु थिए त अवामी निमाइंदा उन्हनि सां उन्हनि जे ख़ुशियुनि ऐं ॾुखनि में शरीक आहिनि। हा वेली, जे पार्लियामानी सियासत इहा आहे त पोइ असांखे दुनिया जे किताबनि मां सियासत जे माना वसफ़ ऐं उन जे असूलनि खे तब्दील करणो पवंदो। हा, उहो बि चवनि था त उहो को वॾो मसरो न आहे जो अॼु असीं हिकु पार्टी में आहियूं ऐं काल्ह कंहिं बि जमायत सां हुआसीं, पर सुभाणे कंहिं टीं पार्टी सां या आज़ादु या का नई पार्टी ठाहे बि जेका मुल्की सियासत ऐं जमहूरियत जी असल ख़ूबी आहे। इलेक्शन या चूंडूं हर पंजनि सालनि या मर्ज़ी जे वक़्त ते थींदियूं रहियूं आहिनि ऐं हिन दफ़े बि 8 फेबरवरी ते थी रहियूं आहिनि। सुवाल इहो थो पैदा थिए त सिर्फ़ु हीअ हिकु ॾींहुं या इलेक्शन वारा कुझु महीना छो किरोड़े पाकिस्तानी आवाम ते हुकमरानी करण लाइ हूंदा आहिनि जॾहिं उन्हनि सभिनी खे इहो अहसासु थींदो आहे त असां गुज़िरियल इलेक्शन वारा वाइदा न पाड़े सघियासीं, आवाम खे मुल्की आइन जे मुताबिक़ माहौल मुहैया करण में नाकाम थियासीं ऐं बुनियादी सहूलियतूं जहिड़ो तालीम, सिहत ऐं साफ़ पाणी बि वॾा मसला रहिया, पर वरी उन्हनि जा वाइदा आवाम खां माफ़ियूं ऐं कुझु बेज़ारी खुलियल तौरु मुशाहिदे में आहे। ॻाल्हि त सियासी आहे जेका चवण या लिखणु सवली न आहे, पर अॼु असांखे सम्झणो पवंदो त आइनी शौर खां सवाइ असां
पंजा मसला हल कोन करे सकदासी। असी पंजन नौजवान लाए मुल्क में तालीम रोजगार तरक्की के यकीनी न बनाए सकदासी। अज जा बार जके आईदे जा बाहन उनन के दुनिया जे बदल जंदड़ आई नवन तरक्की जे रुझानन मुताबिक मुकाबलन जी तैयारी ले माहौल मुहैया करण दुखो थी विंदो। आई सागे तुर बराबरी जे बुनियादन ते औरतन या छोकरन जे मुल्की तरक्की में हिस्से शामिल करण जी गाल त परे परे पर उनन लाए बुनियादी तहफुज बे वडो मसलो रहंदो। अज जरे चूंड वेहण वारा निवेदन जे तकरीरन में साग्या न निभाइण वारा वायदा वचन शामिल आहिनि तॾहिं इहो सुवाल थो पैदा थिए त छा ही सभु पहिरियों भेरो मुल्की सियासत ऐं चूंडनि में हिसो वठी रहिया आहिनि या आवाम पहिरियों भेरो वोट ॾींदो। पाकिस्तान जे 76 सालनि जी तारीख़ में सिंध मुल्क जो वाहिद सूबो आहे जंहिं हिकु वाहिद पार्टीअ जे चूंडियल निमैदर खे डिघे अरसे ताईं इज़त ऐं इक़्तदारु बख़्शियो पर मोट में सिंध या सिंध में रहंदड़ आवाम खे छा मिलियो आहे ऐं इहो बि सुवाल आहे जंहिं लाइ वरी अॼु भूतार मैदान में आहिनि। मुल्क में सियासत खे हथियार बणाए इक़्तदार जी जंग मुल्क जे क़ाइमु थियण खां वठी जारी आहे ऐं सुवाल इहो थो पैदा थिए त उहा केसिताईं जारी रहंदी, केसिताईं अवाम उन्हनि खे माफ़ियूं ॾींदो ऐं मान इक़्तदार ॾींदो ऐं कहिड़ी ॾींहं या साल हुकमरान इदारा ज़िमेवारी महसूसु कंदे पंहिंजो पाण खे इतसाब लाइ पेश कंदा। अचो त हिन सियासी ॻाल्हि खे आइनी समाजी ऐनक सां ॾिसूं। मुल्क या सिंध में ॿोॾनि बरसातनि वारनि सालनि खे छॾे असीं हर साल जेतिरा सुठा फसल लुणूं था ओतिरो ई बुख ऐं बदहाल जी धुमण में फासंदा वञूं था। जेतिरो तरक़ी ऐं बहितरी लाइ बजेट रखूं था ओतिरो उन्हनि इदारनि ख़िदमतनि सहूलियतुनि खां अवां महरूम थींदो थो वञे। माहौलियाती तब्दीली जिते असांजो मुल्क उन में 1% खां बि घटि हिसो शामिलु करे थो उते उन जे असरनि तहत ॿोॾियुनि बरसातनि सोकड़नि गर्मी जे लहरनि सां असांजे ॾहाकनि में ठहंदड़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं मईशत बर्बादु थींदी रहे थी। बरसातनि जी सूरत में पाणी केॾहिं करियूं ऐं जेकॾहिं सोकड़ो अचे त पाणी किथां आणियूं? 76 सालनि में कोन सिखियासीं? छॾियूं था भला ॿोॾियुनि ऐं बरसातनि जूं ॻाल्हियूं, छा समाजी तहफ़ुज़ सां लाॻापियल कमनि में असां सिंध में रहंदड़ आवाम खे रोज़गार या कारोबार मुतलिक़ पाइदार तरक़ी जे असूलनि वारी पॉलिसी ते के सहूलियतूं मुयसरु करे सघिया आहियूं? सभिनी सूबनि में ख़्वांदगी जी शरह में इज़ाफ़ो ॾिठो वियो। पंजाब 66.1% मां 66.3%, सिंध 61.1% मां 61.8%, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा 52.4% मां 55.1%, बलूचिस्तान 53.9% मां 54.5% ते पहुतो। पर सुवाल इहो आहे त छा असांजी पंहिंजी तालीम पंहिंजे मुल्क लाइ मयारी आहे? जिते नौजवाननि खे आला तालीम लाइ मुल्क खां ॿाहिरि वञिणो पवे, सरकारी नौकिरी मेरिट ते न मिले ऐं लखे रुपियनि में ख़रीद करणी पवे, बुनियादी सहूलियतुनि लाइ ख़ानगी इदारा आख़िरी उमेद ऐं आसिरो हुजनि, तवानाई जे बुरहान खे मुंहुं ॾियण लाइ हुकूमत मुतबादिल तवानाई जा ज़रिया इस्तेमालु न करे, हुकूमतूं आवाम लाइ बुनियादी सहूलियतुनि ऐं कुदरती आफ़तनि खे मुंहुं ॾियण लाइ एनजीओ जे सहारे मदद लाइ मुंतज़िर हुजनि, क़ानून जी हुकमरानी इंसाफ़ ख़्वाब बणिजी वञनि, उते हिन वोट जे सही इस्तेमाल सां ई मुल्क या सिंध में वोट लाइ ईंदड़ उन्हनि मीरनि पीरनि सरदारनि ऐं भूतारनि में ज़िमेवारी जो अहसासु पैदा कंदे उन्हनि खे मजबूर करे सघिजे थो त उहे उहा मश्करी छॾे ॾियनि या वरी सियासत जे हक़ीक़ी रूह ऐं इतसाब जे जज़्बे सां मुल्क या सूबनि में जमहूरियत खे यकीनी बणाईंदे आवाम जी असल ख़िदमत कनि, जंहिं लाइ उन्हनि खे वोट ॾिनो वियो आहे। न त ईंदड़ ॿिए मुदे वारनि चूंडनि में वरी माफ़ियूं वठंदे ॾिसंदासीं ऐं पाण चवंदासीं जे मूसी कई गोल से सिघा पारज सुफरी। हीअ ख़ूबसूरत लेख असीं अव्हांजे समातन जी नज़र करे रहिया हुआसीं जेको लिखियलु हो काशिफ़ सदीकी जो। इन ते प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसनि, कॾहिं सींद सिंधी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। अव्हां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। दुनिया जा सिंधियो हिकु मुठ थी सिंध बचायो।
सिंध जो कौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक्तिसादियात, तारीख, कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन, दानिश्वरन, सहाफिन, उस्तादन, वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था। अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापस आने वाले सफर जा साथारी बन जाऊं। एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐ खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो ऐ सतावो थिए।